जनपद में हुई बारिश से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्ती व सरयू नदी एक लंबी दूरी तय करती है तथा बाकी नदियां इनकी सहायक व छोटी नदियां हैं। अभी तक की हुई वर्षा से नदियों का जलस्तर सामान्य है, कहीं पर भी नदी का पानी खतरे के निशान तक नहीं पहुँचा है, लेकिन नदियों में पानी अधिक हो गया है। मेरा नागरिकों से अपील है कि ऐसे समय में नदियों में स्नान करने के लिए ना जाएं, जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, लेकिन नगर निगम लगातार प्रयास करके पानी को निकाल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में राप्ती नदी एक लंबी दूरी तय करती हैं, सरयू नदी भी एक लंबी दूरी तय करती हैं, शेष नदियाँ इनकी सहायक और छोटी नदियाँ हैं। जो अभी 3-4 दिनों से वर्षा हो रही है, उसके कारण अभी नदियों का जलस्तर सामान्य है, कहीं किसी भी नदी का जलस्तर अभी चेतावनी के बिंदु तक भी नहीं है, परंतु नदियों में पानी अत्यधिक है। मेरा अनुरोध है आम नागरिकों से, गांव के निवासियों से, कि ऐसे समय में नदी में ना जाएं, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जल जमाव कहिए, जल जमाव नगर क्षेत्र में कहीं कहीं हो सकता है। नगर निगम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, नगर क्षेत्रों ने भी अच्छा काम किया है। अचानक जब बड़ी वर्षा हो जाती है, भीषण वर्षा हो जाती है, तब कुछ देर के लिए पानी रुकता है और उसके बाद पानी निकल जाता है। इस बार ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। सर,